नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं डेफेनबाकिया यानी डम केन को ग्रो करने का आसान तरीका बताने वाला हूँ। यह एक ऐसा पौधा है जो सालों भर हरा भरा और हवा को शुद्ध कर देता है, और यदि आप इस पौधे को अपने गार्डन में लगाते हैं तो आपके गार्डन की खूबसूरती और भी बढ़ जाएगी। इस पौधे को आप इनडोर या सेमी शेड वाले एरिया में आसानी से लगा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि डेफेनबाकिया को ग्रो कैसे करें। पोटिंग मिक्सचर। डेफेनबाकिया के लिए हमें ऐसी मिट्टी तैयार करना होगा जिसमें ओवरवाटरिंग करने के बाद भी एक्स्ट्रा वाटर गमले से बाहर निकल जाए, ऐसी मिट्टी जो वेल ड्रेन और पोरस हो। इसके लिए आप 50% गार्डन सोइल, 30% रिवर सैंड और 20% कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप पॉटिंग मिक्सचर में पर्लाइट या सिंडर मिला सकते हैं जिससे पॉटिंग सोइल पोरस बन जाएंगे। सोइल को अच्छे से मिक्स कर लें जिससे पॉटिंग मिक्सचर अच्छे से तैयार हो जाए। कंटेनर्स। डेफेनबाकिया के एक पौधे के लिए कम से कम 8 से 10 इंच का गमला सही रहेगा। मैं 10 इंच का गमला इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक बात का ध्यान रखें कि गमले में ड्रेनेज होल पर्याप्त मात्रा में हो ताकि एक्स्ट्रा पानी नीचे से निकल जाए। ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए कुछ गमले का टुकड़ा लें और इसे ढक दें। फिर पॉट में सोइल मिक्सचर को भरें। आप सोइल आधा ही भरें ताकि पौधे को लगाना आसान होगा। अब मैं प्लांट को ग्रो बैग से बाहर निकाल देता हूँ। इसके लिए थोड़ा मिट्टी को दबा देने से पौधे मिट्टी के साथ आसानी से निकल जाएंगे और आप ग्रो बैग को रीयूज कर पाएंगे। पौधों के जड़ों के आसपास बाकी के सोइल मिक्सचर भी भर देंगे। अब सोइल को हल्का प्रेस कर देंगे जिससे पौधे आसानी से ग्रो कर पाएंगे। वाटरिंग। पौधे लगकर तैयार हो गए हैं। अब मैं डेफेनबाकिया के पौधे में वाटरिंग कर देता हूँ। इस पौधे को ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होती है। आप यह ध्यान रखें कि डम केन की मिट्टी बिल्कुल ही सूख न जाए। कुल मिलाकर सोइल को मॉइस्ट रखें जिससे नमी बनी रहे। सनलाइट। इस प्लांट के चटकदार हरे रंग पाने के लिए आप पौधे को इनडायरेक्ट सनलाइट वाले जगह पर रखें, जैसे बालकनी जहाँ डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े। डम केन के पत्ते पॉइजनस होते हैं, इसलिए यदि आपके घर में पालतू जानवर या छोटे बच्चे हैं तो उसी अनुसार इस पौधे की जगह निश्चित करें ताकि पालतू जानवर या बच्चे इसके पत्ते को गलती से खा न लें। तो दोस्तों, ये थे डेफेनबाकिया को ग्रो करने के आसान तरीके। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।